जी भाई, मैं बोर्ड के लिए भूल गया था, मोबिलिटी तो आप लोगों को इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी की डायमेंशन पूछी ही पूछी जाती है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी? मोबिलिटी होती क्या है? जब हम किसी कंडक्टर में करंट इस्टेब्लिश करते हैं, जब हम किसी कंडक्टर में करंट इस्टेब्लिश करते हैं, तो करंट इस्टेब्लिश करने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन कोलाइड करके एक दूसरे से, नेबरिंग इलेक्ट्रॉन से टकरा टकरा के चलने लगे। तो इलेक्ट्रॉन एक ऑन एवरेज वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं। बैटरी हमने जिधर लगाई है, करंट जिधर जा रही है उसका अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन एक एवरेज वेलोसिटी एक्वायर कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कहां से आती है? तो इलेक्ट्रॉन चले क्यों? क्योंकि बैटरी लगी, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक फील लगाया फोर्स। तो कहीं ना कहीं जो बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, वही इलेक्ट्रॉन को चलाती है, वही इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी देती है। ना बैटरी होती ना सोर्स होता, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट भी ना करता। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कहलाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कहलाती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी कहलाती है। तो मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, और म्यू कैसे निकालेंगे? तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी म्यू क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी से लिख दें, पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड ई से लिख दें। तो म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट फील्ड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेलोसिटी ही है, तो एल टी माइनस वन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी सिंपल एक वेलोसिटी है, तो क्या डायमेंशन रखोगे? एल टी माइनस वन। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्टिंग, अब आप बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई याद तो होगी नहीं, मुझे नहीं याद है, मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूं, तो आपको भी याद नहीं और आपको याद करने की जरूरत भी नहीं। भाई रटने ही लगोगे तो फिर तो गड़बड़ होने लगेगी, रटना बिल्कुल नहीं, समझ के करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन बेसिक से क्या होती है? फोर्स अपॉन चार्ज, ये रखा फोर्स मैंने, एम एल टी माइनस टू अपॉन चार्ज ए टी, ये रहा ए टी ऊपर। देखो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, सीधे अब निकाल लेते हैं डायमेंशन, एम माइनस वन और तो कहीं आ नहीं रहा है, एम खत्म, एल से ये कटा एल और कहीं एल आ नहीं रहा है, टी की पावर माइनस वन, टी की पावर प्लस वन से कट गया, टी ए ऊपर आ गया, टी की पावर प्लस टू और ए की पावर वन, एम माइनस वन, टी की पावर प्लस टू, ए टू द पावर